आप कोई 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं वो भी सैमसंग जैसी ब्रांड की एंड इसका प्राइस आपको अंडर 20,000 या फिर 18,000 में देखने को मिलेगा, तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करेंगे? एंड इसमें अगर फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G 120Hz सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से सैमसंग M52 5G स्मार्टफोन जिसका प्राइस आपको अंडर 30,000 में देखने को मिला था, इसका प्राइस आपको 18,000 में देखने को मिलेगा। एंड ये जो स्मार्टफोन है रिलायंस डिजिटल में ऑलरेडी लिस्टेड हो गया है, जो कि 21,000 में आपको देखने को मिल जाता है रिलायंस डिजिटल में। बट इस स्मार्टफोन का प्राइस आपको 18,000 में भी देखने को मिलेगा, यानी कि 3,000 की डायरेक्ट डिस्काउंट भी आप कर सकते हो। बट किस तरह से कर सकते हो एंड क्या कार्ड लगेगा एंड इसमें और क्या फीचर आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन में, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन जो कि 30,000 में लॉन्च हुआ था, जो उसका लॉन्च प्राइस था, ये स्मार्टफोन रिलायंस डिजिटल में आपको 21,000 में देखने को मिल जाएगा, जो कि 6GB+120Hz वाला वेरिएंट है एंड जो 8GB+120Hz वाला वेरिएंट है यहाँ पर आपको 22,000 के देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन को आप और भी डिस्काउंट में बाय करना चाहते हो तो इसका प्राइस आपको 18,000 तक जा सकता है। कैसे जा सकते हैं? अगर आपके पास सिटी बैंक की कोई भी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है तो इससे आपकी 2,000 की और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 19,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा 6G वाला वेरिएंट, 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा आपको 8G वाला वेरिएंट। बट 3,000 आप कैसे डिस्काउंट कर सकते हो? अगर आपके पास सिटी बैंक की क्रेडिट कार्ड है, स्मार्टफोन को आप EMI पर बाय करते हो, तो स्मार्टफोन में आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन का जो डिस्काउंट देखने को मिलेगा 2,000 से 3,000 हो जाएगा सिटी बैंक की क्रेडिट कार्ड पर अगर आप बाय करते हो EMI पर, तो यहाँ पर आपको 3,000 की डायरेक्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्मार्टफोन का प्राइस 18,000 हो जाएगा एंड जो 8G वाला वेरिएंट है इसका प्राइस आपको 19,000 में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा डील है, जो अगर आप चाहे तो स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। बट बाय करने से पहले ये देख लो कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन यहाँ पर आपको तगड़ा देखने को मिलेगा, बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, फास्ट साइड देखने को मिलेगा, फ्रंट साइड में सेंटर पॉन्च नॉच देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिला, जैसे मैंने बताया था 6GB+120GB एंड 8GB+120GB, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ 6.6 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 120Hz सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। 3.5mm हेडफोन जैक के स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक ही यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलता है, जो कि 3.5mm हेडफोन जैक। उसके साथ साथ 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। एंड सेंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जितने भी सारे जरूरी सेंसर है सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 64MP का ट्रिपल कैमरा देखा है, जो कि 64+12+5MP का। उसके साथ साथ 32MP का यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, बट इसको आप अपडेट कर सकते हो एंड्रॉइड 12 में, जो कि लेटेस्ट अपडेट हो गया है। यहाँ पर आपको UI देखने को मिलता है। साथ साथ सैमसंग की स्मार्टफोन है तो यहाँ पर कोई भी आर्ट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो मैंने स्टडी में बताया था कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। 6nm टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिलता है, बहुत ही सुपर फास्ट प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गेमिंग वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको कोई भी हैंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में अगर बात करें तो आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 25W की फास्ट चार्जिंग भी देगा, तो फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा कम है बट यहाँ पर आपको बैटरी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि 5000mAh की है। तो ये रहा पूरा स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी M52 के। इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं तो अभी जाके बाय करें, क्योंकि इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सिर्फ 30 तारीख तक यहाँ पर ये ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा रिलायंस डिजिटल पे। तो जल्दी जाइए और स्मार्टफोन को बाय करिए, और इतने सस्ते प्राइस में और कहीं भी ये स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप चाहते हो तो स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ से रखें।